इस भट्टे के ऊपर का तापमान बहुत ज़्यादा है, इसके नीचे आग जल रखी है। ये बच्चा इस आग के भट्टे पर बेधड़क लकड़ी की चप्पल पहने दौड़ रहा है। हकीकत में जब मैं यहाँ आया, इन लोगों से मिला और इनके बीच में जब काम कर रहा था, तो इनकी वस्तु स्थिति से जानकारी हुई, इनके हालात क्या हैं और ये किस तरह से जीते हैं। आवास वास मिला है आपको प्रधान की तरफ से? आवास नहीं मिला। कितने देर काम करते हैं? टाइम नहीं है भाई। अच्छा, टाइम नहीं है किसी भी समय? हाँ, गाड़ी घोड़ा है इसमें तो रहते कहाँ ही, भट्टे पे रहते हैं? नहीं, घर चले जाते। घर चले जाते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी है ये? हाँ हाँ, जब काम आ गया तो आपको आना है। क्या काम करते हैं? बुग्गी हाँके से। हाँ? बुग्गी। बुग्गी हाँकते हो? हाँ। ये क्या होता, बुग्गी क्या होता है? ईंटा। अच्छा, ईंटा लाद के वहाँ पर अंदर जाके रखते हो, तो तुम्हें कितना पैसा मिलता है? 80 रुपये। पढ़ने का मन करता है? नहीं करता। क्या काम करते हो बेटा? ईंटा लाते हो और झोकाई का भी करते हो? हाँ। जो भी दिखा रहे थे। पढ़ने की इच्छा होती है? नहीं, नहीं होती। 1000 ईंट कितनी देर में पाथ लेते हैं? अब दिन भर लग जाते हैं। दिन भर लग जाता है? हाँ। 1000 ईंट पाते हैं? हाँ। और कितना पैसा मिलता है? 300 रुपया। 300 रुपये, इतने पैसे में गुजारा हो जाता है? अब कैसे कहिए बाबू, गुजास करिए था तो बनी। इतनी दूर से यहाँ क्यों आए काम करने? तब का करी काम, वहाँ मिलत नहीं ना वैसे उतने ज्यादा। हाँ हाँ, कितना कर्जा लिया था आपने जब चले थे? अब हम लोग लिए, 4 आदमी आके बोला था, हमारे बच्चे लोग नहीं आए थे ना। हाँ। तो 16000 लिया है। हाँ। 16000 पाटना है। हाँ। फिर पेट में खाना है। ब्याज भी देना है? नहीं, ब्याज नहीं देना। नहीं। 16000 जैसे पड़ जाएगा आप चले जाएंगे। हाँ। ये एक ईंट भट्टा लगा हुआ है, यहाँ पर आप प्रवासी मजदूर आके रहते हैं? बहुत दूर दूर से मजदूर आए हुए हैं। ये सारे लोग बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, शायद विकास की कोई धारा यहाँ भी पहुँचेगी और इनकी भी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा। इनके बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कानून ने इन्हें बहुत सी सुविधाएं दी हैं, पर हकीकत में जब यहाँ देखा तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं पाया। मैं अजीत बहादुर, इंडिया अनहर्ड के लिए इलाहाबाद से।